आज है 25 मई 2024 और दिन है आज शनिवार का, और इस वक्त टाइम हो रहा है दोपहर के 2:36 और मैं हूँ इस वक्त हिमाचल प्रदेश के बैरागढ़ साच पास पांगी रोड के ऊपर। तो आज की वीडियो से जितने भी टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार की तरफ मई 2024 में घूमने का टूर प्लान बना रहे हैं और उन्हें बर्फ देखनी है, जो भी टूरिस्ट मई के महीने में बर्फ देखना चाहते हैं और अपने फैमिली बच्चों को बर्फ दिखाना चाहते हैं, तो आप लोग हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा खजियार साच पास का टूर प्रोग्राम बनाए और अपने फैमिली बच्चों को बर्फ दिखाएं। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बर्फ जो है देखने के लिए मिलेगी। तो कल हम यहाँ पर पहुँचे थे, साच पास गए हुए थे, वहाँ पर हमने बर्फ देखी और आज हम एक बार फिर से दोबारा यहाँ पर बर्फ़ देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। बर्फ ही बर्फ मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर जो है बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी। चलिए जी, 9:46 हुए हैं और गेस्ट आ गए हैं रेडी होकर कार के पास। गेनियल ले जाना। कल जाना, क्या काम किया? अपना काम है कि कुसेर का है? राजा साहब कहाँ छाया में छिप गए हैं? चलिए, आज तो जैकेट की जरूरत मुझे नहीं लगता लगेगी, तेज धूप है ना और व्यू भी अच्छे दिखेंगे, पर रख लेते हैं। कल की बारिश के बाद, हाँ कल बारिश के बाद अच्छा अच्छा हो गया वेदर। चलिए राजा साहब, एक्स्ट्रा सामान रख दो इधर, जरूरत लगेगी तो निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, ये चलिए चलिए आज की यात्रा आरम्भ करते हैं। राजा साहब नहीं, वो मेरी है। आज सुबह सुबह ये अच्छी तेज धूप निकली हुई है। कल कितनी देर बारिश हुई थी? बारिश हुई थी अच्छी। कितनी देर? मैं तो जाते मेरे तो अभी भी टांगे और पीठ पूरी पकी हुई है वो जर्किंग की वजह से ना। हाँ। मैं तो नहीं निकला था बाहर। कितनी देर हुई थी बारिश वाला? आधा पौना का, एक घंटा। एक घंटा जोर से कि ऐसे नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल नॉर्मल बारिश थी, लेकिन बिजली बहुत चमकी थी। अच्छा, और बिजली चली गई थी ना? हाँ बिजली भी चली गई। खुश कैसे हो आज? चलिए ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए जी, 9:50 हुए हैं और आज हम फिर से एक बार खुश को जा रहे हैं साच पास दिखाने के लिए। आज देखते हैं खुश कितना मजा करता है। आहा, आज फोटोग्राफी बड़ी अच्छी आएगी है ना, बिल्कुल नीला आसमान और साफ धूप, साफ मौसम। आपको साइड व्यू दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, श्रीला मोबाइल। धन्यवाद। आज कौन लेट हुआ खुश? बिजली गई ना। अच्छा, मेरे में कोई बाथरूम में नहीं जा रहा था। ये बैग में आपको देखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, इसमें नहीं, ये दो ही साइड वाले उस यहाँ से भी वापसी निकालना फोटो टेम्पल, ये जो टेम्पल है ऊपर आके जबरदस्त व्यू है यहाँ से। उस लाइन को सोच लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार क्या 15 खुलने तक बंद रहेगा, रानीकोट से आगे पानी के जम जाने से। ये जैसे अक्टूबर में बंद होता है ना, ये 15 अक्टूबर से बंद होता है और खुलने का नहीं लिखा है ना टाइम, ये 15 अक्टूबर में बंद हो जाता समझ लो ये। फिर अभी तक बंद ही है ना ये, 15 अक्टूबर के बाद ठंड हो जाती है तो जो झरने नहीं देखे हमने वो जम जाते तो उस पर स्किट होती है ना गाड़ियाँ गुड़ियाँ पैदल भी। 15 अक्टूबर से ये बंद होता है और अभी तक देख लो बंद ही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई 15 भी निकल गई ना। खुश कितने महीने हो गए? 15 से 7 महीने बंद रहता है ये, तो 5 महीने ही पिछला जो हिस्सा है वो हमारे चंबा के साथ जुड़ता है पांगी वाला ना, इसीलिए वो टनल बनाते हैं। हाँ, तो इसी पहाड़ से जो लेह लद्दाख और लाहौल स्पीति है, ये पीर पंजाल है ना, ये लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख इंडिया से 7 महीने कट रहता था लगभग पहले, तो मनाली में अटल टनल बन गया तो अब वो जुड़ गया साल भर का ना। अच्छा। कैलोंग ही जुड़ा है ना अभी, तो लाहौल स्पीति जुड़ा है टोटल अभी। अच्छा। तो अभी लेह लद्दाख को जोड़ना है, इला पास पे टनल बन रही है ना, तो जो जिला वाली बन जाएगी तो लेह लद्दाख भी साल भर के लिए जुड़ जाएगा। लेह लद्दाख जुड़ जाएगा तब तो एकदम कंफर्टेबल हो गया, फिर सब कुछ हो गया ना। मेन होता है ये पहाड़, जैसे ये पहाड़ हमें क्रॉस करना, पांगी तो खुला ही होता है ना, पर ये यहाँ से जो ऊंची पहाड़ी है ये बंद हो जाता था ना ये। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कहाँ से लेह लद्दाख लेगा,
जम्मू कश्मीर से होते हुए ना, कश्मीर से ले रहे हैं। हां कश्मीर। तो लाइट कितने बजे गई सुबह? अच्छी अच्छी गई, दो तीन बार गई। अच्छा ब्लू स्काई की वजह से और अच्छे आ रहे हैं। और अच्छा आ रहा है ना फोटोग्राफी, तो इसके लिए तो वेदर पूरा क्लियर चाहिए। फिर चलिए जी, 10:21 हुए और हम पहुंच गए रानीकोट। और मौसम आज बिल्कुल क्लियर, पूरी पहाड़ बर्फीली रेंज अच्छी दिखते हुए। और ये खुशका मैगी पॉइंट, कोई नहीं है आज, पहचान गए खुश को। दोबारा आ गए राजा साहब, थोड़ा आगे जाते ना, रुकिए। नहीं रुको, लीजिए अभिषेक आप चाहिए क्या? तेल अभी तो नहीं, पहले वो वाला कंप्लीट कर लेते हैं, सत्थारा वाला। हाँ वहाँ सुतरुंडी बोलते हैं ना, सुतरुंडी मतलब है कि सात धाराएं है ना, तो इसलिए सतरुंडी नाम है उसका। आपका क्या विचार है, पहले दूर वाला कंप्लीट करके फिर? जो अच्छा लग रहा है, जैसे जो कवर करना चाहते हो आपको, जो अच्छा कवर करना है ना वो अलाउड है। हाँ क्या करना? हाँ किसका वेट करना, मतलब ये नहीं होगा ना कि गाड़ी पास? नहीं नहीं, नहीं, नहीं इधर तो जगह है, बहुत ज्यादा जगह है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो पहले उधर का करते हैं फिर इधर। हाँ वापस आते आते करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि वो और इतना सुंदर वाला हम देख लिया, यहाँ का एक फोटो लेंगे। एक सेकंड। एक और गाड़ी आ गई निकली, हाँ पंजाब की। ये सुबह साथ में निकली थी दोनों गाड़ी है ना। चलिए जी, दो गाड़ियां तो वापस हुए। देख लो खुश बेटा, हिला मत करो, चले चलिए। हाँ देखिए, वो आएगा भी नहीं, कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए जी, 10:34 हुए और दो गाड़ियां साच पास देखने के बाद वापसी लौटती हुई भी हमें मिली। ये तो सब मुझे लगता है ढाबे पॉइंट तक गई हूँ। छू कर गए है ना, ये छू का टिक मार्क की टिक कर लिया। हम जा रहे हैं जैसे शिकार पे जाते हैं, इधर उधर खोजते। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज फिर उसको दोहराता हूँ कि जब आप इस एरिया में आए और खास करके साच पास के दर्शन या साच पास पे घूमने अगर आने वाले हों, तो अच्छे वाले सन गॉगल्स सन ग्लासेस जरूर से लेकर के आए। बर्फ़ से रिफ्लेक्शन इतनी तेज है कि आप आंखें खोल भी नहीं पा रहे होंगे, तो प्लीज़ उसका प्रिकॉशन लेकर के आए। और वुलन कपड़े अच्छे से लेकर के आए, ईयर मफ्स टोपी मफलर और एक अच्छा मोटा जैकेट, क्योंकि ऊपर जाकर के एकदम डीप फ्रीजर वाली हवा आती है बहुत तेज, और वो सडनली लगती है, तो प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड बी सेफ। जनहित में जारी, जनहित में जारी, यस ये सूचना जनहित में जारी, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। चलिए, हमने खुश के मम्मी पापा को फोटोग्राफी करने के लिए उतार दिया है और हम जा रहे हैं आगे। 11:05 हुए हैं और अब हम रुक गए हैं एक वाटरफॉल पे फोटोग्राफी करने के लिए। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर फोटोग्राफी में कितना टाइम लगता है। यहीं लगाना था ना, देखते। चलिए खुश करो ट्राईपॉड की तैयारी, कहाँ पे लगाना है। एक और टूरिस्ट कार आते हुए, डायरेक्टर साहब बताएंगे अब कहाँ पे ट्राईपॉड लगाना है। ये एक और टूरिस्ट टैक्सी साच पास की तरफ जाते हैं। जब हम बैरागढ़ से साच पास की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अनेकों व्यू जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और बहुत ही छोटे मोटे बहुत सारे झरने हैं और बहुत सारे छोटे और बड़े झरने हैं। तो आज हम हर व्यू पॉइंट पे रुकेंगे और हर झरने की फोटोग्राफी करेंगे। 11:11 हुए हैं और एक और टूरिस्ट कार साथ पास तरफ जाते हुए, 11:14 हुए हैं और एक और टूरिस्ट कार जो है वो साथ पास की तरफ जाते हुए। अच्छा कहाँ से आप? चैनल है यूट्यूब। हाँ जी कौन ट्रैवलर चैनल है आपका भी? हम आपको ढूंढ रहे थे, बोला लक होगा तो मिल जाएंगे, मैं आपका वीडियो देख देख के इधर आया। अच्छा कहाँ से आप? सूरत गुजरात। सूरत गुजरात से, कौन सा चैनल है आपका? बॉन ट्रैवलर, दिखाइए ना मैं भी आपका डालूंगा। अच्छा ये देखिए, गुजरात से यहाँ पर गाड़ी आई हुई है, ये है इनका चैनल। तो कितने दिनों से निकले हैं आप घर से?
कितने दिनों से निकले हैं आप घर से? हम निकले 10 को। 10 को निकले हैं और 4-5 दिन बाद जाएंगे घर से। तो अभी कहाँ कहाँ घूम के आए? हम निकले थे, सबसे पहले हम बरोट गए। अच्छा, बरोट गए। बरोट से बिलिंग, बिलिंग बिलिंग से पालमपुर होके धर्मशाला, धर्मशाला से खजियार, डेलाउसी वगैरह, वहाँ से कुप्ती। अच्छा, कुप्ती गए, भरमोर और कुप्ती रुके, और अभी कुप्ती से इधर आए, इधर दो नाइट रुकेंगे। आज यहाँ पे जाएंगे, कल आज रात को नाइट स्टे करके कल प्रागपुर जाएंगे। प्रागपुर, हाँ ठीक है, उधर भी है गर्ली। हाँ, और बाद में रिटर्न घर। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंजल है और मेरे चैनल का नाम है बॉन्ड ट्रैवलर। जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली ट्रैवल चैनल है। अच्छा, कि नॉर्मली क्या होता है कि अकेले बंदे को कहाँ पे रुकना होता है वो अलग मैटर होता है, और हमारा ऐसा है कि फैमिली के साथ यहाँ पे खाना है, कैसे स्टॉप करना है, एक स्पीड कम होती है, अकेले बंदे की ज़्यादा होती है, तीन जन साथ में तो होटल भी थोड़ा अच्छा चाहिए, तो उस प्रकार का हमारा पूरा वीडियो होता है। हाँ, सोलो ट्रैवलर लग होते, फैमिली टूर लग होते। यस, ये हमारा फैमिली के साथ जानो तो कितनी सेफ्टी रखनी है। हाँ, वो उसके ऊपर चैनल है, और बाय रोड ही हम घूमते हैं सूरत गुजरात से पूरे इंडिया में। 20-25 दिन का ट्रिप लगा। चैनल है आपका? हमारा चैनल कोरोना के बाद स्टार्ट किया गया। वैसे क्या करते हैं आप? मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, ओके वेलकम, ठीक है बाय। मैं ढूंढ रहा था, मैंने काफी बार बोला मेरे को नसीब होगा तो कहीं पे मिलेगा, आपकी गाड़ी देगी। रात को हम बैरागढ़ में रुके थे ना। हाँ, हम भरमोर से आए थे परसों। हाँ, तो हमें आना था बैरागढ़, बीच में रास्ता जो था वो बंद था, फिर हम उधर से लौट गए क्योंकि मैं भी फैमिली को मार रहा हूँ ना। हाँ, कि नहीं जाना, फिर हम रुके तीसा में। हाँ, फिर अगले दिन हम आए तो खुला था रास्ता, फिर इनको इतना बेस्ट लगा कल हम घूम कर गए हैं, दोबारा आए फिर। तो मैं भी इनको वही बोला कि आज अच्छा लगा तो कल वापस आएंगे। हाँ, ये चलिए ठीक है, मिलते हैं, ओके बेस्ट ऑफ जर्नी, बाय बाय। तो ये आप लोग देख सकते हैं 14 मई से ये टूरिस्ट हो थे और आज यहाँ पर पहुँचे हैं। चलिए 11:20 हुए हैं और हम लोग अब बढ़ रहे हैं आगे की ओर। हो गया पैकअप ड्रैक्टर साहब? पैकअप हो गया? आगे बढ़े, इसको ऐसे लेके चलना है? खुश मेरे साथ चलेगा? मैं कार में चलता हूँ, मैं चल रहा हूँ। चलो आ जाओ। चलिए, मैं और ड्रैक्टर साहब जा रहे हैं गाड़ी में, बाकी हमारी टीम जा रही है पैदल। चलिए, डॉक्टर साहब आगे बैठेंगे, अब डॉक्टर साहब आगे बैठेंगे अगली सीट पे। चलिए, मैं और खुश जा रहे हैं कार में और बाकी की टीम हमारी जा रही है पैदल और व्यू ढूंढते हुए। चलिए, 11:21 हुए हैं और मैं और खुश बढ़ रहे हैं अब कार से आगे, और खुश के मम्मी पापा जा रहे हैं और व्यू की तलाश में, और व्यू ढूंढते हुए, और हम कर रहे हैं आगे कहीं पे जाके 8-10 किलोमीटर चले आगे। नहीं है, कितना आगे करें बेट? 8 किलोमीटर नहीं, 10 किलोमीटर तो होना चाहिए। नहीं, नहीं। तब थकेंगे, तब बैठेंगे कार में। नहीं, 10 किलोमीटर नहीं। इसके बाद कौन सा वाटरफॉल है? वो जो साथ दिखते थे वो, तो वहाँ पर रुक दीजिए। थोड़ा बढ़ते हैं और आगे, काफी चल लिए हम लगभग 2-2.5 किलोमीटर पैदल। ट्रैक्टर साहब की बैटरी क्या हो गया, एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है? चलो मोबाइल है ना बेटा, कोई नहीं, अभी हम लोग खूब फोटोग्राफी करेंगे स्नो के पास। चलिए बर्फ की दीवारों में चलते हैं। हाँ, जो आपका कैमरा है ना, ये वाला, उसमें मुझे मेरा निकॉन वाला कैमरा का लेंस उस पे लगा के उस कैमरे का लेंस एक्सचेंज करके, हाँ वो करना है, बिकॉज आई वांटेड टू फोकस फ्रॉम दैट लेंस, आई एम यूज्ड टू दैट, दैट इज जस्ट राइट फॉर मी। ओके, इट्स अ गुड आइडिया। अभी हम लोग बर्फ की दीवारों में ऐसे करके फोटो लेंगे, जैसे कि हम लोग लेटर फिर हम लोग खड़े रहेंगे। ओके, एंड वी विल ट्राई टू मेक नो इंजन्स। नो इंजन? 2 कदम चलने के बाद हमारी कार
थम चुकी है, अब देखते हैं कितनी देर थमी रहती है। तुम जा रहे हो कुछ भी जा रहा कुछ ढूंढने के लिए अपने अपने अपना ओहो कैमरा बोलने के पहले ठड़ हो गया कैमरे को पकड़ के रखा था ये खुश अगली सीट को संभालते हुए वाह कब्जा कब्जा पता है फ्री तो है आज सीट ये है इधर से फोटोग्राफी दोनों तरफ इधर भी इधर भी ले सकते हैं फोटोग्राफी करने लगे राजा साहब राजर से आसन उसके पापा ट्रैकिंग करते करते तो फिर चिड़ 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 होगा क्योंकि हमको वहाँ ज्यादा फोटो लेनी है अच्छा क्योंकि थकावट से ही होती है ना वो ज्यादा अरे वो पर्पल फ्लावर तो यहाँ है अच्छा आगे और मिलेंगे पर्पल फ्लावर बहुत सुंदर है चलिए सिग्नल मिल चुका है जैसे सीट पे कब्जा हो चुका है एनक्रोचमेंट ये बिल्कुल स्क्रीन सेवर मटेरियल जाते हैं ना गूगल फोटोज में है वैसे वाले चाहिए बिकॉज़ आई नाउ आई वांट टू सेंड देम टू गूगल डन पूरी आ गई वाह चले हां उनसे पैनोरामा बस नहीं होता कोई बात नहीं आज सब सीख लोगे करते करते आ जाएगा हर कोई सब चीज सीख के नहीं आता है करते करते सीखते हैं ये ले लें हाँ इसको ले लें एक सेकंड थोड़ा आगे जाकर रोकेंगे ना आपकी अभी रोकेंगे आगे जाके थोड़ा क्योंकि यहाँ पर मेरे को करने का जगह नहीं है कोई नहीं हम उधर उधर उतरते हैं उधर चलो उतर जाओ ध्यान से उतरना पर और देखना खुश मैं थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा एक सेकंड बस हाँ देखो पीछे से गाड़ी आएगी तो फिर वो मुश्किल हो जाता है ना खड़ी ठोकर है मतलब पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो फिर वो उनको दिक्कत आती है ना उठाने में गाड़ी को क्योंकि बड़ी मुश्किल से उधर चढ़ती है गाड़ी वो निकल जाए उसको रुकना ना पड़े चढ़ाई पे अगर हो गया हो बिकॉज बेटा पीछे रुकने की जगह नहीं है हाँ फिर वो पीछे से गाड़ी आती है ना तो उसको रुक दे तो फिर वो मुश्किल होती है गाड़ी उठाना चढ़ाई वाली गाड़ी को रास्ता देना होता है चलिए खुश में एक बर्फ की फोटो आज निकाल ली है उससे ये सब ठीक हो जाता है रुकना इधर ना ये सदधारा प्लेस है यहाँ रुक लीजिए साइड में ये लो जी कुछ उतरने के पहले देखना पहले बार 11:40 हुए हैं और हम रुक गए हैं एक और वाटरफॉल की फोटोग्राफी के लिए अब देखते हैं हमारा यहाँ पर इस वाटरफॉल को फोटो निकालने में कितना टाइम लगता है चलिए खुश आपको क्या वाटरफॉल की फोटो निकालनी है कि बर्फ चलिए फिर बर्फ चाहिए पीटोगे किसको आज फिर आप किसी को भी देखो नीचे गुफा बनी हुई है ये हाथ करो एक नीचे दूसरा भी करो आइसक्रीम बस 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 चलिए खुश को बर्फ मिल चुकी है कितने गिराओगे कल खुश को बर्फ में खेलना नहीं मिला था इसलिए आज हम दोबारा से खुश को बर्फ में खिलाने के लिए लेकर आए हैं क्योंकि जैसे हम कल शतरुंडी वाटरफॉल से आगे निकले थे तो और खुश जो है वो बर्फ़ पे एंजॉय नहीं कर पाया था चलती चलती कार से एक बार हमने खुश को बस बर्फ टच करवाई थी अच्छा खुश तो एकदम गोला बनाने वाले जैसा एक्सपर्ट हो गया है हाँ ये हथियार लूट लिए कीचड़ भी है पीछे ये 11:50 हुए और हमने दूसरे वाटरफॉल पे भी फोटो निकल लिया है हम बढ़ रहे हैं और आगे कैसे बंद होगा चलिए चलिए जी दूसरे वाटरफॉल पे भी फोटो हो गई अब बढ़ते हैं क्या है और अब हम बढ़ रहे हैं और आगे दूसरे स्पॉट की ओर
कांच बंद करें कृपया, नहीं भीग जाएंगे। भीग रहे तो है, क्या हुआ? आगे बुला रहे हैं गाड़ी में। भीगना है तो है। नहीं नहीं, गाड़ी भीग जाएगा, अंदर से फिर बदबू बनेगा गाड़ी में। विंडो बंद। 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 कर दी इसने तो मच मोबाइल इधर है। खोल लो विंडो। विंडो लोग कार वॉश में लेके जाते हैं गाड़ियों और अंदर एक बार वैसा होना चाहिए। ये जब इसको बहुत ज्यादा हो जाए फिर तो खेलता भी है बार। अब तो नहीं रुकना ना कहीं आसपास। अब वो दीवार पे रुकेंगे जो चट्टान काट के बनाई हुई। अच्छा, जो दोनों तरफ समाला अरे वो सतधारा। सतधारा उसके बाद है, एंड है, वो तो एंड है। खुश फुल फॉर्म में आ चुका है। पहले तो जैकेट उतारी, फिर हैंड ग्लव उतारे, उसको मजा नहीं आ रहा था बर्फ के साथ ऐसे। और सर क्या पता जूते उतार दे आगे। जूते मत उतारना बेटा, जूते नहीं उतारना। ये जो जगह है ना, यहाँ पे छोटे छोटे फूल बहुत अच्छे हैं। ये रुकना इधर, अभी नहीं। अच्छा वापस आते समय। अच्छा हाँ, ये छोटे छोटे हैं, ले ले अभी, ले ले। ठीक है ले लो। अच्छा रुक जाओ। जी हाँ जी, मजा आ गया। इसको बंद करो ना, बैटरी चली गई। हम ऑफ कर रहे हैं तो क्यों? एक तो ये आ रही है दीवार, मुझे लगता ये नहीं। हाँ, दो चट्टानों को, एक चट्टान को काटते जो रोड बनाई थी ना, जो गलत दिखा रहे थे। एक तो इस बेंड में भी है ना, ये नहीं, ये जो है ये एक ये है और फिर एक इसके बाद आगे है। आगे एक तो ये है आगे वाले में। चलो जब जाएंगे तो समझ आ जाएगा ना। ये देखो एक तो ये है। अच्छा हाँ, ये वही तो है। हाँ, दिख नहीं रहा था आपको। हाँ, लग रहा था वो इधर से हो रहा है। हाँ, एक तो दीवार ये आ गई। कुछ जैकेट पहन लो, वहाँ डीप फ्रीजर वाला फीलिंग आएगा। सडनली तुम बीमार पड़ोगे, पहनो। पापा ये शुक्चा पुत्र मेरा जैकेट लो। आई डोंट वांट टू वेयर माय जैकेट एंड आई एम टेकिंग द ट्राइपॉड। डू यू नीड द ट्राइपॉड? नो नो। तुम्हारा कैमरा ही नहीं रख रहे हैं, फोन से ले लो वहाँ। ठीक है Okay. इधर तो टाइम लगेगा ना कि क्या है? हाँ? मैं साइड पे लगा लूँ ना। हाँ, ताकि कोई दूर साइड ना, ना इधर, ताकि कोई दूसरी हाँ, कार हाँ, निकल जाए ना। ये 11:58 हुए हैं, 11:58 हुए हैं और हम पहुंच गए हैं दोनों तरफ ग्लेशियर की दीवार के पास। और अब हम रुक रहे हैं यहाँ पे फिर एक बार फोटोग्राफी करने के लिए। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर फोटोग्राफी में कितना टाइम लगता है। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही ऊंचा बर्फ का एक ग्लेशियर है। ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा ये ग्लेशियर है। एक टुकड़ा उस तरफ है और एक टुकड़ा यहाँ पर है। ये देखिए, और इसको काट करिए पूरी, ये पूरी रोड निकाली गई है। बारह बजकर 10 मिनट हुए हैं और जो ग्लेशियर काट कर सड़क बनाई गई है, हमने वहां पर भी फोटोग्राफी कर लिया है। और अब हम बढ़ रहे हैं और आगे की ओर। चलिए 5 मिनट अग्गे आ जाओ, अग्गे आ जाओ। ये पानी वाला थिंग क्रॉस होने के बाद, वो पूरा क्रॉस होने के बाद एक बार उस तरफ भी रुकी। हाँ, अच्छा ठीक है, पानी क्रॉस होने के बाद रुकेगा। पैर गीले हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। ये हम लोग डीप फ्रीजर के पास आएंगे। लो उतर जाओ, फिर मैं गाड़ी आगे ले जाता हूँ। उतर लो ना, अभी तो पानी क्रॉस करवाने के लिए कार यूज किया हमने ना। क्यों भाग रहे हो? क्या चाहिए? ग्लव्स। क्या करना? मेरा दूसरा जैकेट निकल गया। कौन सा जैकेट है?
डायनासोर वाला तो मेरा है। क्यों? ऑरेंज वाला। क्यों डायनासोर बनना है? नहीं उसमें मेरा ग्लव्स है। कहाँ है डायनासोर आपका? अब निकाल लो फिर दे देना। निकाल लिया। रख दो अंदर ऐसे खिड़की से। चलिए 12:13 हो चुके हैं। क्यों? हाँ हाँ 12:13 हुए हैं और एक और टूरिस्ट कार जो है ये साच पास की तरफ जाते हुए। नहीं चलो शिला अभी लेट हो रहा है। ओके फिर से बस में ही रुकेंगे। चलिए खुश चलिए आगे बढ़िए। ये देखिए एक और बाइक भी साच पास की तरफ जाते हुए। चलो 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 बैठो। 12:17 हुए हैं और एक बाइक भी साच पास की तरफ जाते हुए ये आप लोग देख सकते हैं। मजा आ रहा है बाइक से? ठीक है ठीक है चलो चले। चलिए 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 12:18 हुए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं और आगे देखते हैं कितनी आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप ये बताओ खुद उसने हथियार परमानेंट ही रख लिया है? क्यों छोड़ दिए हो? जरूरत नहीं लग रही है? क्यों त्याग दिए? इट्स टू हॉट। जरूरत नहीं लग रही है आज धूप अच्छी है। वेयर आर योर सनग्लासेस? इन माय अदर जैकेट। आई डोंट सी देम। एक सेकंड बस चेक द अदर पॉकेट। Checked both the pockets. देखो बर्फ में पेड़ उगाया है कुछ। ये जब झरने यहाँ बहते होंगे फुल फोर्स में पिघलने के बाद तब तो इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल। नहीं नहीं बस ये अब जैसे जैसे धूप बढ़ेगी और जुलाई अगस्त में तो सड़क सारी खराब हो जाती है ना। ये रोड पे बहता है ना सारा पानी ना रोड। ये तुम्हारे सनग्लासेस गायब हो गए हैं। ये अब पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा। ओवर देयर आई डोंट नो वेयर दे आर नाउ। सो यू हैव टू कीप देम देयर। खुश हमारे ऊपर एंगर थ्रो मत करो। तुम्हारी चीज है तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारे पॉकेट में था आज अभी तुम्हारे पॉकेट में क्यों नहीं है? अभी पहले ये जो पहना हुआ ये भी खो गया था ना पीछे था। हाँ पर हमने कितना ढूंढा फिर मिला हमें। जैकेट तो उतार के फेंके होगे तो गाड़ी के अंदर। ये तो नहीं सोचोगे पॉकेट में क्या है ये समझना होता है ना बेटा। जहाँ भी नेक्स्ट रुकेगी गाड़ी तुम पहले उतर के अपने सनग्लासेस ढूंढोगे उसके बाद ही कुछ और होगा। ये तो गिर गया होगा जहाँ उतारे हो। ये तो नहीं समझ में आता है। आगे है क्या? देखो खुश आगे तो नहीं रखा है गिरा है। चक डाउन गिरा होगा। यहाँ हम वापस आते हुए रुकेंगे। अभी सीधा वो चट्टान जो कटी हुई है उस पे चलते हैं। ये है काला बन। फाइंड इट व्हेन यू स्टॉप। ओके और तुमने तो बेटा कैमरा भी ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने रखा था प्रॉपर्ली और फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आई हैव नॉट गॉन बैक। ओके क्या हुआ फिर सांस फूल रही है? यहाँ तो सांस फूलने वाला कुछ है नहीं बेटा। ये लोनावला की हाइट है यार। कम ऑन प्लीज। पता है लेकिन कुछ हो रहा है तुम्हें? नहीं बस। तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? गरम था। गरम लग रहा था फिर विंड आया। इसकी इतनी ले ली ना कि मतलब मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने क्या लिया क्या छोड़ रहा है। चट्टान कौन सी थी मुझे तो नहीं ध्यान आ रहा। पहचान लेना ना। एक और इधर ग्लेशियर है मुझे लगता कटा हुआ। ये थोड़ा छोटा है। हाँ ये कम हाइट है। ये इधर तो नहीं रुकना ना? नहीं बदली थोड़ी सी हवा नाक में जाते ही मिर्ची लग रही है जैसे। क्या हो गया खुश? कुछ नहीं। अच्छा जो एक पत्थर था तो ये तो नहीं आ रही चट्टान वाला वो? हाँ यही है जो या उससे ऊंची थी थोड़ी सी। हाँ दो चट्टान के बीच में से। हाँ अच्छा 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 वो उससे अगला है वो। ये तो छोटा है ना वो बड़ा पत्थर था ऊंचा। ये नहीं ये नहीं ये यहाँ पर
ये वाटरफॉल है। यहाँ पे भी साइड में जहाँ तो छोटा है खुशी है यहाँ पे इधर ही आगे इधर ही हाँ इधर तो रुक सकती है सीट पे जहाँ बैठा था उसी पे था वो जेब से निकल गया था मुझे लगता शायद ना जेब से निकल के वही गिरा हुआ था तो इसलिए खुश मायूस हो गया था। हाँ और क्या हम भी मायूस हो गए थे पीछे और डांट भी रहते और फिर मायूस भी हो रहे थे। कृपया अपने सामान का खुद ध्यान रखें। हाँ फिर बहुत तेज लाइट होगी हम और फिर आंखें नहीं खुल पाएगी फिर आप और हम और पापा पहने रहेंगे खुश बिना उससे होगा फिर हर फोटो में नहीं लेना पड़ेगा सब बोलेंगे कैसे माँ बाप है बच्चे की आँख का ध्यान नहीं रखा अपने दोनों गॉगल्स पहन के। चलिए जी यहाँ रुक सकते हैं क्या ग्लेशियर के पास उस ग्लेशियर इस ग्लेशियर के पास नहीं अभी आगे और ग्लेशियर है उसमें रुकेंगे। ओके इट्स लॉट ऑफ स्नो स्नो वाटर आज फिर से हमारे स्टेप काउंट 400 गुना हो जाएगी। इसमें भी स्टेप ही काउंट हो रहे हैं हो रहे होंगे ये वाला हाँ ये है ये इधर ही रुकना है। हाँ यस इधर फिर तुरंत ही करना पड़ेगा नीचे ठोकर बड़ी ज्यादा है ना पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो फिर उठ नहीं पाएगी उससे उधर या मैं इसको क्रॉस करके आगे रुकूं आप नहीं, 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 नहीं। आप इधर उतर जाएंगे हाँ मैं गाड़ी क्रॉस करके आगे ले जाता हूँ ना आप आ जाना उधर। हाँ खुश उतरना आपको उतरता हूँ। 12:30 हुए हैं और हम एक बार फिर से रुक गए हैं फोटोग्राफी करने के लिए। निकल सकती है जो दूसरी कोई आएगी एक और टूरिस्ट कार जो है ये जाते हुए साच पास की तरफ ये आप लोग देख सकते हैं 12:33 हुए हैं और एक और टूरिस्ट कार जो है ये साच पास की तरफ जाते हुए काला बन के बाद हाइट बढ़ती है ना तो उसके बाद फिर थोड़ा सा खुश में मैं महसूस कर रहा हूँ कि वहीं से दिक्कत आती है अभी खुश का जो है व्यवहार बदल गया है क्योंकि आज तो ज्यादा आगे जाना नहीं है। हाँ आज तो उधर तक ही जाना हुई तो है वाटरफॉल कहाँ जाता है। चलिए खुश हम तो नहीं बैठ सकते आप लोग ने मेक श्योर किया है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। चलिए खुश खुश तभी ठीक है अभी थक गया है थोड़ा सा हवा चाहिए और हो जाएगा। क्या चाहिए हवा चाहिए खुश झरने शुरू हो रहे हैं झरने झरने ही झरने आए एक सेकंड रुकिए बस थोड़ा सा आगे बस बस देखो कैसे चट्टानों से निकल रहा है पानी उधर खुश उधर देखो उधर पूरी चट्टान और कहाँ से फूट रहा है ये झरने ही झरने आज खुश एडवांस में ही शुरू हो गया। व्हाट्स द मैटर बेटा आई डोंट नो सो हो रहा है एक काम करो टैबलेट वाला बैग लाया है आज हाँ हाँ अच्छा खिलाया तो नहीं है ना आज नहीं आज कुछ भी नहीं खिलाया टमाटर खिला दे रोड पे आना शुरू हो गया ना पानी है बस जैसे जैसे बहेगा वैसे वैसे रोड खराब होती चलेगी बस नाली बन जाएगी ना क्या अभी रुकना इधर इधर ही रुक जाओ ना फिर क्या वो जो एक क्रॉसिंग है वहाँ पर जाता है नहीं क्रॉसिंग पे तो लोग आएंगे जाएंगे ना खुश ये लो तुमको वॉमिट स्टॉप चाहिए था ना मम्मा मम्मा तुम्हें भी चलना है क्या नहीं हम गाड़ी ले जाएं आगे हाँ बोले हाँ अच्छा आई डिडंट हियर ये 12:56 हुए हैं और खुश के मम्मी पापा एक बार फिर रुक चुके हैं फोटोग्राफी के लिए
और हम जा रहे हैं आगे कार लेकर। इधर तो रुकना ही पड़ेगा ना, इधर है गाड़ी निकलने के लिए जगह वाला? हाँ निकल जाएगी ना, चले खुश बड़े आ गए। ओहो हो 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 हो, निकल जाएगी गाड़ी वाला? ये नहीं निकल पाएगी है, नहीं निकलेगी। खुश कांच बंद कर लो ये। अच्छा रहने दो रहने दो, चलिए एक और पीवी नंबर गाड़ी जाते हुए। और अब ठीक लग रहा है खुश? अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है। चलो चलते हैं, अब ठीक है। बोथ टू थिंग्स हेल्प, वेरी गुड। हेलो एस्ला, मैं आऊं एक मिनट। खुश की बैटरी चार्ज हो गई फिर थोड़ी देर के लिए। ये एक को मिनट, फोटो लेते हैं। देखने वाले को लगेगा कि सब एक ही जैसी फोटो है, लेकिन हम जानते हैं खुश हाथ अंदर और एंगल इतना सुंदर है। ये लीजिए खुश, लो बेटा तुम भी लो फोटो, नहीं चाहिए? चलो थैंक यू, एक सेकंड निकलना मत, जाना मत, कहीं मत जाना, रुके रहना। सलाह पटकन झटापटी, हम वापस जब आएंगे ना तब एक बार यहाँ रुकिएगा। तब झरने अनेकों झरने आने वाले हैं, ये देखो खुश अनेकों झरने गिरना, कितने झरने हैं गिरना। इसको रुक के ले लीजिए, मैं उतरता हूँ आप आगे। नहीं रुक जाइए आप रुक सकते हैं तो आप भी रुक जाइए। खुश गिनना झरने, एक हुआ स्टार्ट। देखो बेटा इसके तीन टुकड़े हो चुके हैं इसके ना, देखो एक वो ऊपर और एक वो ऊपर है, वो तीन टुकड़े। हाँ ये देखो कट लगा है ना ऊपर, ये जो चट्टान जैसी ऊपर कट लगा है, एक वो ऊपर कट लगा हुआ है इसको। ये नहीं किसी दिन धड़ से गिरती है? हाँ खिसकते हैं ना ये, खिसक जाते। इनके नीचे ज्यादा देर रुकना भी डेंजरस होता है, जब ये नीचे इनके पानी बहना शुरू हो जाता है ना ये स्लाइड होते हैं ये। Oh, you want me to come out? नहीं, still है। ये देखिए एक कंपास, आपको एक चीज दिखाऊं? हाँ। यहाँ पे देखिएगा। पापा, मैं आप पर आक्रमण कर सकता हूँ क्या? जो तुम करना चाहो। Just keep the camera. After we take all the photos, let's do world war. Okay. Yeah. I'll have this weapon because I don't have nails, okay? I'll just have this one giant nail. Look, Papa, look at this tripod ka. This looks like a mouth. Huh. Hello, my name is Benro. Hello, my name is Benro. Oh, ये मुसीबत हुई ना, वो चढ़ेगी नहीं पीछे से, गाड़ी तो मेरे पे चलाए ना। Sorry. हाँ, वो तो मुझे बोलेगा कि कहाँ गाड़ी खड़ी की हुई। तो यहाँ तो हम क्रॉस कर जाते हैं, वॉकिंग करते हैं। एक है वाटरफॉल, अब काउंट करेंगे वाटरफॉल। एक हुआ ये इतना एंड तक, अभी ऊपर जो ट्रिपल वाला था वो एक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक इधर बनता है अभी तो ढका हुआ है सारा, ये भी वाटरफॉल ही बनेगा। ये एक वो, ये दो, ये देखो आ तो गया, ये दो है, ये दो ऊपर से क्या दो और तीन आगे से पहले भी नहीं है कोई, तीन चार पाँच छः छः ही हुए। तो कुछ तुम यहाँ पे तो पिला के रहना, वही हुडी लगा के रहना क्योंकि अभी डीप फ्रीजर के अंदर से निकल जा रही है, मुझे गर्मी लग रही है तो 5 मिनट के लिए नॉट कीप इट। और ये तीन हो गया, ये तीसरा, ये तीन बेटा यहीं पे ही ना सर्दी लग जाएगी। 5 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा कूल डाउन होके पहन लूं।
यहाँ नहीं बैठा, और गाड़ी चल रही है ना पीछे पीछे, हमारे पास करेंगे रुक जाती है, फिर इतनी ताकत लगती है, मुश्किल हो जाता है ना गाड़ी को चढ़ाना। हैं ये तो वो वाला आ रहा है, विंडोज ऊपर करो। अच्छा ये वो वाला है। हां वाइपर 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 में वाइपर नहीं आएगा इधर, ये चार हो रही है, कितना हो पांच सिक्स सी लाल गाड़ी में नहीं है, रुको इधर। हां तभी रुकना है, मुझे थोड़ा सा दबाना है उसको पहुंचने से पहले पहले, इधर ना तो रुक जाओ। हाँ 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 सर, उस गाड़ी को आने से पहले पहले साइड करने दो ना, तो निकल जाओ। सर्टी सर सर्टी सर, चलिए उतर जाओ आप। हाँ जान दी जान दी, किन्नी पूरा खास बात है, कल है साँच पास तक तो नहीं खुलेगा रास्ता, अगे ढाबे रुके दी होनी सारी गड्डियाँ, किन्नी दूर है कोई दो मोड़ अगे बस, आओ तो सारी गड्डियाँ होनी रुकेगी। तुम चलते आए आई से इतने तो आए बैरागढ़ तो, खुद सब गेट बंद कर दो, गाड़ी आएगी पीछे से, या तो उधर जाओ। हाँ ये बंद कर दो, तो देखो रुक गई ना उधर सर गाड़ी खुदी, ये चलिए खिला हुआ चेहरा अभी तक, पीछे भी आना ना, पीछे तो लौटते हुए जाना है ना, पैदल थोड़ी चल पाएंगे, यू टर्न कर लेंगे। अब आगे चलना कि यू टर्न करना है, यू टर्न यू टर्न यू टर्न है ना, अब यू टर्न ना, यस है ना, आगे है कुछ आगे तो वही है जहाँ से गाड़ी चेंज की हुई थी ना मैंने, बस थोड़ा सा यहीं से यू टर्न करना है, तो आगे देखते चलना है तो आगे चल सकते हैं, थोड़ी से यू टर्न कर लेंगे। हाँ जहाँ तक वो जो गाड़ी गई थी, हाँ हाँ जहाँ से बदले थे, एक ये भी है ना वाटरफॉल, इसकी फोटो निकालनी होगी तो ये वाला, हाँ ना आगे है जब उधर से आएंगे, ये खुश इसको संभालो नहीं तो इसको पीछे रख देते हैं, उसका हेड अगर टूट जाएगा तो बहुत महंगा मिलता है, ये बंद करना पड़ेगा, ये फिर भी बाहर आ सकती है। एक ये वाटरफॉल और एक ये, सात हो गए खुश पूरे, हो गए सात, एक कम हो रहा था ना तो वो सात वो होगा, ये हाँ थोड़ा आगे तक चलते हैं ना, फिर नहीं आगे जाना होगा तो मोड़ लेंगे। खुश है तैयार, तो यूज किया नहीं आपने अपना, ये इस बैंड तक कल गए थे ना हम अपनी गाड़ी से, और फिर यहाँ से कार हुई थी चेंज हमारी, और वो ऊपर ताजा जो बर्फ है वहाँ तक गए थे चोटी तक, थोड़ा सा और आगे है वो जो एक शॉप था ना, हाँ वहाँ पर रुक के वर्ल्ड वार किया जाएगा। ठीक है ऐसा करेंगे, पहले हम लोग खेलेंगे, हाँ उसके बाद फोटो पे वापस लगेंगे, हाँ ये हो सकता है, आप बनेंगे कमेंटेटर। चल ना हम यहाँ तक अपनी गाड़ी से आए थे, और यहाँ से हमने ऊपर दूसरी गाड़ी जो यहाँ पर खड़ी थी उसको लेकर आगे निकले हुए थे, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है यहाँ पर छोटी गाड़ी के नीचे कैच हो जाती है, यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता, यहाँ पर जो पत्थर है यहाँ पर गाड़ी का छोटी कैच हो जाती है, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे झरने, अनेकों झरने यहाँ तक मिलेंगे, तो आज हम यहाँ तक दोबारा से आए थे इन सब झरनों की फोटो निकालने के लिए, कल हम यहाँ तक आए थे और यहाँ से आगे हम गए थे दूसरी गाड़ी लेकर ऊपर आसपास की तरफ, तो यहाँ से यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि जो गाड़ियाँ चलती हैं जो पत्थर हिल जाते हैं वो साथ में पानी रहता है, उसकी वजह से जो है वो गाड़ियाँ छोटी जो है वो नीचे टेस्ट हो जाती है, तो आज हम यहीं तक दोबारा फोटोग्राफी करने के लिए आए थे, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आगे, एक बजकर सैंतालीस मिनट हुए हैं और एक और टैक्सी जो है ये साँच पास की तरफ जाते हुए गाड़ी लॉक कर दिया। हाँ आगे और तकड़ा झरना है उसकी निकालनी फोटो, तो एक और टूरिस्ट कार
1:50 हुए हैं और एक और टूरिस्ट कार जो है ये साच पास टोफ की तरफ जाते हुए, एक 1:50 हुए हैं और यहाँ पर जो है ये ठंड थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हम सभी ने दोबारा से जो जैकेट या जो कैप वगैरह लाया हुआ था उसको तो हमने फिर से खुश, क्या लिख रहे हो, ये अपना हाथ गर्म कर रहा है मेरे मफलर में डाल। अच्छा, यहाँ पर सतरुंडी में पहुँचते ही एकदम बफीली ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी है और हम दोबारा से एक बार गर्म कपड़े पहनकर पैक हो चुके हैं। 1:52 हुए हैं और एक और टूरिस्ट कार जो है ये साच पास की तरफ जाते हुए, एक और टूरिस्ट कार साच पास टॉप की तरफ जाते हुए। तो क्या करना, अब लौटना पीछे कि खेलना है बर्फ पे घुस गया इधर ही ठंड में है, मेरा तो हाथ जम रहा है एकदम। हाँ चलिए 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 है, जो आगे बर्फ है उसमें खेलेंगे। हाँ तो आप बताते रहना ना, चलो सेलेक्ट कर लो। हाँ चलो 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 खुश चलिए चलिए जी। 1:55 हुए हैं और अब हम लौटते हैं वापसी की ओर। 1:55 हुए और एक और टूरिस्ट कार साच पास टॉप की तरफ जाते हुए, बहुत सारी गाड़ियां जो हैं ये आज भी हमने साच पास टॉप की तरफ जाते हुए देखी हैं। अब देखो हाथ भी जमने शुरू हो गए ना, उस झरने से लेकर इस झरने तक कितना वेदर चेंज हो गया ना। चलिए खुश हुआ, खुश के लिए आज हम आए थे इधर, आपके लिए आए थे ना। चलिए 1:58 हुए और बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और अब हम लौट रहे हैं वापस अपनी कार की। चलो आगे। हेलो, हमने एक और बार देख लिया ये, कल का वीडियो स्पेस नहीं था तो नहीं आ पाया और हम लोग अभी साच पास के बिगिनिंग पे हैं, यहाँ से साच पास जाता है वहाँ से और फिर ये साच पास जो है वो अब खुला नहीं है और एक ऑप्शन है आपका, हाँ एक ऑप्शन है जिससे आप ऊपर और जा सकते हैं, लेकिन उसको मत चूज़ करेगा, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत कम ऑक्सीजन है। आप यहाँ तक ही आइए, व्यू सेम है और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत ज़्यादा आइस भी है। चलिए बाय। चलिए पूरे 2 बज चुके हैं और मैं और खुश वापस आ चुके हैं गाड़ी में और गाड़ी में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बाहर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। 2:03 हो चुके हैं और अब हम लोगों ने अपनी कार घुमा ली है वापसी के लिए। मम्मा हटो, गर्मी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छी लग रही है। मैं यहाँ पर हूँ, मक्खी कहाँ आ गई है भाई। मम्मा यहाँ पर एकदम हीटर है, अंदर आ जाओ। खुश को हीटर मिल गया है, वो आगे डैशबोर्ड गर्म है ना धूप से, तो खुश हाथ सेकते हुए फिक्शन। मम्मा मनी नहीं भर रहा मनोज जी। चलिए खुश कर दो, बाय बाय कर दो। डोंट ओपन इट फॉर टू लॉन्ग प्लीज। एक सेकंड मनोज जी, गाड़ी आधी मत चलाना। अरे वाह, गरम गाड़ी में बैठने का। नहीं, खुश तो हीटर सेक रहा है ना, अच्छा लग रहा है। रुको रुको, खुश तो आगे हीटर सेक रहा है। अब जहाँ जहाँ रुकना होगा मनोज जी को बताते रहेंगे। हाँ चले। हाँ वो जो एक वाटरफॉल था। एक सेकंड पापा। हाँ यहाँ पे मनोज जी तापमान कितना होगा अभी? अभी तो पता नहीं है।
सात आठ तक को कुछ ऐसा होगा, समझ लो कि जो कंट्रोल नहीं हो रहा है उतना ठंडा रहा है। ये जो मैंने इनको पूछा तो बोलते जियो की है ये केबल, जियो हाँ जियो 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 हाँ जियो छा गया है। चलिए खुश कर दो, बाय 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 सच पास बाय बाय, मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। जी जैसे हम स्पीति को कभी नहीं भूले ना, इसको भी नहीं भूलेंगे। इतनी बर्फ मैंने कभी नहीं देखी। करेक्ट, हमने भी नहीं देखी। स्पीति में भी हमने बर्फ छुई नहीं, सिर्फ देखी थी। इस बार तो छुई हमने और उससे खेला भी। वर्ल्ड वॉर तो करना है अभी। हाँ। किया है, करना है, किया भी है, किया है 2 मिनट के लिए। फिर हाथ बहुत पर मैं चला गया था ना उस गाड़ी निकालने के लिए, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। बहुत ही सुंदर जगह और बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा। ऐसे लगता है जैसे कि जन्नत में आ गए हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा ठंड। आप कितनी भी फोटो ले लें, कितना भी वीडियो ले लें, आप उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हम दूसरी बार आए साच पास ना, तो फिर भी मन है, फिर भी मन नहीं भरा, मन नहीं भरा, वापस जा रहे हैं क्योंकि जाना पड़ेगा। और जो टूरिस्ट कोई डलहौजी खजियार चंबा आएंगे तो उनको बता दो इस प्लेस के बारे में। बिल्कुल आना चाहिए, बहुत मजा आएगा। बहुत सुंदर जगह है, सुंदरता से परिपूर्ण है। खुश भी हमारा खुश हो गया ना, आप इधर गए हो कश्मीर वगैरह गए हो? कश्मीर नहीं, नहीं कश्मीर को पहली बार टच करने वाले हैं। अच्छा, भी जाएंगे, ठीक है। जो भी टूरिस्ट मई जून है हिमाचल प्रदेश में कोई बर्फ देखने के लिए आएंगे तो उनको यहाँ पे आना चाहिए, अपने फैमिली बच्चों को बर्फ दिखाने के लिए, फैमिली डेस्टिनेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ है और नेचर भी दूर जाता है। अब तो हुई गई सारी फोटोग्राफी, नॉन स्टॉप निकलते हैं आगे ना। एक जो वाटरफॉल था बस वो देखेंगे। अच्छा, अपने निकलेंगे है ना, और फिर हम लोग देवी को भी जाएंगे। अगर आप लोग भी अपने फैमिली बच्चों के साथ किसी हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं और अपने फैमिली बच्चों को बर्फ दिखाना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश डलहौजी चंबा साच पास का टूर प्लान बनाएं और इन सब नज़ारों का आनंद, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। जो भी टूरिस्ट अपने फैमिली बच्चों को बर्फ दिखाना चाहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, वो तो कृपया करके डलहौजी हिमाचल प्रदेश चंबा साच पास खजियार का टूर प्लान बनाएं और इन सब नज़ारों का आनंद ले। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है ये गर्मियों के दिनों में भी बर्फ देखने के लिए मिलेगी। बस बस उसको पीछे झाड़ो वरना वो सूखेगा नहीं, कुछ झाड़ो उसको जल्दी, पानी बनेगा, पानी बनेगा। चले चलिए, जाके आ गए, जाके आ गए। कहाँ तक गए? 2 किलोमीटर पास से 3 किलोमीटर बाद हो जाती है। चलिए ठीक है जी, इधर नीचे जा सकते हैं क्या? नहीं, ये तो रिस्की है, रिस्की ना, ना इधर रिस्की है। नीचे कहाँ पे जाना, आगे है कोई? नीचे तो ऐसे रोड पे ही कहीं रुक सकते हैं। था बढ़िया, हाँ ऊपर ज़्यादा बर्फ है। ठीक है बाय। ये जी स्नो का कितना मजा आता है। हैं व्हेनेवर वी विल गो टू रिवर्स ना, हां वी विल गो इनटू विंटर। ओके ओके, जब स्नो रहेगा विंटर ऑफ यूके एंड यूएस। यूके आई एम नॉट डूइंग नो मम्मा, यूके में ना आई विल फ्रीज। नो, आई ओपन द विंडो एंड आई सेड वाओ एंड आई वेंट क्वाइट अर्ली, धीरे धीरे चल के, बिकॉज आई हैड टू गो वॉक ऑन द स्नो। अब सीधा देवी कोठी ले। जय माता चामुंडा देवी, देवी कोठी माता की जय हो, जय हो चामुंडा देवी माता जय हो। चलिए जी 7:20 हुए और हम पहुंच गए वापस देवी कोठी माता मंदिर में, दर्शन हुई थी। चलिए ठीक है, मिलते हैं सुबह, बाय बाय। आज की यात्रा होती है ख़त्म।